Students, today we are going to discuss Unit 3, Session 10, 11, 12 and 13 and 14, okay? Of Unit 3, this class belongs to Class 9 and subject is Computer. So in this, we have, in Session 10, we have to discuss about communication and networking creating an email account. हम लोग कैसे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ईमेल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ईमेल अकाउंट, अब ईमेल अकाउंट आप लोग फैमिलियर होंगे ईमेल अकाउंट से, ईमेल अकाउंट क्या होता है और उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। एंड ईमेल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज यूजर एस्टैब्लिश विथ एन सर्विसेज, इट ऑफन आइडेंटिफाइड विथ एन ईमेल एड्रेस। एन ईमेल एड्रेस इज अ वर्चुअल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ओके। तो ये होता है एक ईमेल अकाउंट। आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको सेटअप करते हैं ईमेल अकाउंट को, उसके बारे में दिखाया गया है ईमेल अकाउंट का सेटअप कैसे होता है। जीमेल एंड प्रोमेंट ऑनलाइन ईमेल सर्विस, और ईमेल का मतलब जीमेल नहीं होता है, जीमेल एक बस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि ईमेल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अदर्स आप रेडिट मेल, याहू मेल, इन सब में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं इसके स्टेप्स हैं क्रिएट करने के किस तरह से, और इस तरह का जो है जीमेल का होम पेज खुलता है जिसमें हम जीमेल में ईमेल को क्रिएट करते हैं। तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जीमेल अकाउंट। अब है क्या क्या इसका जो है आता है डायलॉग बॉक्स, उसके बारे में दिया गया है क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करने होते हैं ईमेल क्रिएट करने के लिए। देख लेंगे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूज़र नेम क्या देना चाहते हैं, पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, कंफर्म पासवर्ड, इस तरह से आपको आता है। नेक्स्ट है हमारा सेशन 11, सेशन 10 में बस इतना ही था आपको, ठीक है। सेशन 11 के बारे में देखते हैं, सेशन 11 में क्या है, बेसिक्स ऑफ ईमेल अकाउंट और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में ही है ईमेल बेसिक्स। अब ईमेल के बेसिक्स क्या होते हैं उसके बारे में दिया गया है सेशन 11 में, कैसे हम ईमेल को राइट करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे राइटिंग एन ईमेल, वंस एन ईमेल अकाउंट इज क्रिएटेड अ यूज़र इज ऑलरेडी टू रेडी टू सेंड और रिसीव एन ईमेल। हाउएवर देयर आर सर्टेन टर्म्स यू नीड टू गेट योरसेल्फ फैमिलियराइज्ड विद बिफोर सेंडिंग एन ईमेल। इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए, हमें ईमेल भेजने से पहले हमें क्या क्या इसमें करना होता है उसके बारे में। इसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है रिसिपिएंट, जिसको हमको मेल भेजना है उसका एड्रेस। मान लीजिए आप किसी को लेटर भेजते हैं तो उसका एड्रेस चाहिए होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर रिसिपिएंट चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी विषय क्या होता है, किस आपको सब्जेक्ट क्या है उसका, किस पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है मैसेज एरिया, जहाँ पे मैसेज आप टाइप करेंगे ईमेल का, टूल बार होता है। अब नेक्स्ट है आपका सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल को हम सेंड कैसे करते हैं उसके बारे में दिया गया है। टू सेंड एन ईमेल टू अदर इंडिविजुअल्स द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज इंडिविजुअल मस्ट नोन। फर्स्ट है टू सेंड ईमेल, ओपन एंड वेब ब्राउजर, गो टू जीमेल। नेक्स्ट है इंटर द रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस। इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ईमेल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे रेसिपिएंट है, सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं अटैचिंग एंड फाइल, हम लोग कैसे फाइल को अटैच करते हैं ईमेल में। फाइल कुछ भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हम लोग अटैच कर सकते हैं ईमेल में। विथ एवरी ईमेल यू कैन सेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स। एन अटैचमेंट इज एनी फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन टू बी सेंड विथ एन ईमेल। हम लोग कुछ भी अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट करने का आइकन क्या होता है, इस तरह से होता है, जैसे आप पेपर को अटैच करते हैं उस तरह का ये दिख रहा होगा, ठीक है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके ये देख रहे होंगे ईमेल अटैचमेंट का ये दिख रहा होगा आपको। अब हम नेक्स्ट है मैनेजिंग फोल्डर्स, फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं। बाय डिफॉल्ट एन ईमेल अकाउंट फीचर्स अ नंबर ऑफ फोल्डर्स, दीज फोल्डर्स आर यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ईमेल, अमॉन्ग दीज सम फोल्डर्स में कलेक्ट ईमेल्स, ठीक है। तो ये सब आप मैनेज कर सकते हैं मैनेज फोल्डर से। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कंटेंट क्या क्या होता है ईमेल का। इनबॉक्स होता है जिसमें ईमेल हम कोई भी भेजता है तो इनबॉक्स में आता है। फिर हम कोई मेल भेजते हैं तो उसको सेंट में जाता है, वो किसी को हमने भेजा है तो उसका एक कॉपी सेंट मेल में भी चला जाता है। ड्राफ्ट्स, अब मान लीजिए हम ईमेल राइट आउट कर लिए हैं और हमको किसी को भेजना नहीं था, उसको बाद में भेजना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। जंक एंड स्पैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में देखिएगा।
ईमेल दैट आर डिक्लेयर टू बी नॉट यूजफुल और ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन द जंक फोल्डर अपॉन देयर अराइवल, देयर आर अनसॉलिसिटेड ईमेल। जैसा कि हमको जो ईमेल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और जो कि अनआइडेंटिफाइड ईमेल होगा वो कहाँ चला जाता है, जंक और स्पैम फोल्डर में। यहाँ पे वायरसेस ये सब हो सकते हैं, इसलिए इनको जंक फोल्डर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैश। द ट्रैश फोल्डर कलेक्ट्स अ कॉपी ऑफ एवरी ईमेल डिलीटेड बाय यूजर। क्या होता है, जो भी ईमेल हम डिलीट करते हैं वहाँ का कहाँ पे एक कॉपी है उसका ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ये सेशन 11 कंप्लीट हुआ, सेशन 12 अब आ गया है कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स। ईमेल के द्वारा हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में दिया गया है। ईमेल ऑपरेशंस है, रिसीविंग एन ईमेल, हम लोग ईमेल रिसीव कैसे करते हैं। टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अनदर यूजर ईमेल एड्रेस, सबसे पहले तो हमको क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के द्वारा हम मेल को रिसीव करना चाहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए जिस पर हम कोई भी मैसेज को रिसीव कर सके। तो हमें एक ईमेल आईडी होना चाहिए हमारे पास। एवरी इनकमिंग मैसेज अपीयर्स इन द इनबॉक्स होल्डर ऑफ एन ईमेल अकाउंट वंस इट अराइव्स, ए रिसीव्ड ईमेल अपीयर्स एज एन अनरीड मैसेज एज डिस्प्ले इट द नेम इन द सेंटर सब्जेक्ट। ओके, तो एक एड्रेस होना चाहिए, पार्टिकुलर एड्रेस पे ही आएगा। जैसा कि आपको इस फोल्डर में दिख रहा होगा रिसीव्ड एंड अनरीड मैसेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन ईमेल। ईमेल जो हम ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है, जैसा हमको कोई मैसेज भेजता है तो कैसा दिखता है, उस तरह का ओपन ईमेल का दिखाया गया। अब हम किसी ईमेल का जो रिप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में दिया गया है। रिप्लाई एन ईमेल, रिप्लाई कैसे करेंगे, कोई मैसेज आया हमको और हम चाहते उसका रिप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं, ये सब स्टेप्स को फॉलो करके यूज़र मे रिस्पॉन्ड टू रिसीव मेल। द रिप्लाई ऑप्शन जनरली अवेलेबल फॉर मोस्ट ईमेल सर्विसेज, द ऑप्शन ऑटोमेटिकली एट द सेंडर एड्रेस। तो रिप्लाई पे जहाँ पे हम रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ से मेल आया है उसका एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे तो उसको फॉरवर्ड हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा जहाँ से आपको मेल आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये सब स्टेप्स को फॉलो करके हम रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्डिंग एन ईमेल, ईमेल को फॉरवर्ड कैसे करते हैं। अ यूज़र में फॉरवर्ड रिसीव मेल टू अनदर ईमेल एड्रेस टू कन्वे दिस मैसेज टू फॉरवर्ड एन ईमेल। जैसे ये सब दिख रहा होगा फॉरवर्डिंग एन ईमेल कैसे फॉरवर्ड करते हैं, जो भी मेल आया है उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे नए एड्रेस पे, तो वहाँ पे एड्रेस हमको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, ये सब स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है डिलीटिंग एन ईमेल, ईमेल को हम डिलीट कैसे करते हैं। यूजर में डिलीट एन ईमेल फ्रॉम एनी अदर फोल्डर, दिस मूव्स द डिलीटेड ईमेल टू ट्रैश फोल्डर। अब जैसे कोई भी डिलीटेड मैसेज होता है तो हम किस तरह से हम लोग कैसे डिलीट करते हैं वो सब हमको देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिलीट आइकन है, तो कोई भी हम इस तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे देखेंगे हम इसको, सेशन 13 आ गया आपका। सेशन 13 क्या है, सेशन 13 है आपका किस चीज़ के बारे में, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में है, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। अब सेशन 13 है आपका सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया क्या होता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, एक एग्जांपल है सोशल मीडिया के। और सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है कहीं भी मैसेज को वायरल करने में या फिर किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे इजीली तक पहुंचाने में। द टर्म सोशल मीडिया रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन एंड कंटेंट शेयरिंग ओवर द इंटरनेट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस फॉर इंडिविजुअल टू कनेक्ट विद अदर्स यूजिंग द इंटरनेट। हियर अ यूजर कैन इंटरैक्ट, पोस्ट मैसेजेस और शेयर इंफॉर्मेशन विद द अदर यूजर विद सिमिलर इंटरेस्ट। द पर्पस ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स इज टू बिल्ड सोशल रिलेशन। तो सोशल मीडिया से क्या होता है, सोशल रिलेशन हम बिल्ड कर सकते हैं। अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ डेडिकेटेड वेबसाइट एप्लीकेशन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब ब्लॉग क्या है, व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग के बारे में जानते हैं।
अ ब्लॉग इज अ ऑनलाइन जर्नल दैट आर्चिव्स एन ऑन गोइंग क्रॉनिकल ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्लॉग क्या है, एक ऑनलाइन जर्नल होता है, ऑनलाइन एक वेब पेज होता है जहाँ पे कोई भी अपना पर्सनल व्यूज, जो कि ब्लॉगर होता है उसे ब्लॉगर कहते हैं, वो अपने ब्लॉग को लिख सकता है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट एंट्रीज ऑल्सो नोन एज ब्लॉग पोस्ट, जो पोस्ट करता है ब्लॉगर। अ ब्लॉग डिस्प्लेज नीवर ब्लॉग पोस्ट बिफोर एनी अदर ओल्डर एंट्रीज। इट ओपन कलेक्शन ऑफ पर्सनल ओपिनियंस, ये क्या होता है, पर्सनल ओपिनियंस होता है, ये आपके पर्सनल, जो ब्लॉगर होगा उसका जो भी टाइप करेगा वो ब्लॉग होगा और उसका पर्सनल ओपिनियन होगा किसी मैटर पे। नेक्स्ट है आपका, द टर्म ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, राइटिंग और पब्लिशिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अ ब्लॉगर इज एन इंडिविजुअल हु रन्स द कंट्रोल रन्स एंड कंट्रोल्स द ब्लॉग शेयर हिज ओपिनियंस। ओके, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है ट्विटर के बारे में। ट्विटर पे भी क्या करते हैं, लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो ट्विटर के बारे में सब जानते ही होंगे, तो इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा, इनकेस कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक के बारे में जानते होंगे, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूट्यूब के बारे में भी सभी फैमिलियर होंगे। यूट्यूब क्या होता है, एक वीडियो शेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर है यूट्यूब, जिस पर हम लोग नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियोस होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो सबसे ज़्यादा फैमिलियर चीज़ है, जो बच्चे जानते हैं कि व्हाट्सएप क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। क्या, मैसेजेस सेंड करके, मैसेजेस किस फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो और वीडियोस हो सकते हैं। ओके, तो इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ना है हमको, व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया में क्या क्या दिया गया। डिजिटल इंडिया इज ए नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1 जुलाई 2015। अम्ब्रेला प्रोग्राम, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब कि एक नया इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया के लिए, यानी हर एक चीज़ को डिजिटल करना। तो इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, कोर कंसेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग, टू डेवलप एंड सिक्योर द स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू डिलीवर ए गवर्नमेंट सर्विसेज, अचीव द यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी सिटीजन ऑफ द नेशन। इस तरह से ये तीन मेन फैक्ट्स हैं इसके, ठीक है, डिजिटल इंडिया के। नेक्स्ट है आपका लास्ट सेशन इस यूनिट का, बेसिक केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का हम लोग केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसके बारे में दिया गया है। अ पर्सनल कंप्यूटर इज ऑफन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर लोकेटेड एट अ फिक्स पोजिशन और पोर्टेबल लैपटॉप। दीज डिवाइसेज आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू योर कंप्यूटर बट ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब कंप्यूटर का जो भी जो है पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, केयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है। विदाउट दैट इसका क्या हो सकता है, आपका कंप्यूटर बिगड़ सकता है। टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस इसका कैसे करते हैं, जैसे इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, कोई पार्ट अगर गड़बड़ है तो उसको चेंज होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, पूरे पार्ट्स कंप्यूटर के ख़राब हो जाएंगे। अगर एक पार्ट अगर गड़बड़ है तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग ठीक करेंगे। क्लीन एंड कंप्यूटर, क्लीन द कंप्यूटर रेगुलरली, कंप्यूटर की साफ़ सफाई हमेशा होनी चाहिए। प्रिवेंट ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए कंप्यूटर को, ठीक है। अगर मान लीजिए ओवरहीटिंग हो रही तो वहाँ पे ठंडा माहौल रखेंगे, फ़ैन वगैरह रखेंगे कंप्यूटर के लिए। टेक केयर ऑफ बैटरी, बैटरी का हमें बचाव करना चाहिए, जो लैपटॉप वगैरह में बैटरी वगैरह होता है उसको ठीक से रखना चाहिए। यूज एंड यूजर सर्ज प्रोटेक्टर, अनयूजुअल सडन स्पाइक्स वोल्टेज, इस तरह से क्या होता है, सर्ज प्रोटेक्टर यानी एक बड़ा सा वोल्टेज स्टेबलाइजर जो कि फ्लक्चुएशन को रोके, वैसा हमको बना के रखना चाहिए। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द फिजिकल हार्म, यानी उसको बचा के रखना चाहिए, कोई बच्चा है घर में तो उसे बचा के रखे, वो पटक वगैरह सकता है, तो इसके लिए इसको बचा के रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपडेट्स आता है उसको हम लोग हमसे अपडेट करते रहेंगे तो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस होता रहेगा। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर में पेन ड्राइव्स वगैरह इंसर्ट करते हैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा हमको अपडेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो वायरसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है हमेशा अपडेट रखना चाहिए सिस्टम में। ओके,
नेक्स्ट है आपका मेंटेन बैकअप ऑफ डाटा। अब जो भी डाटा है आपका उसको बैकअप करके रखेंगे, अदरवाइज मान लीजिए कभी वायरस अटैक हो गया आपके सिस्टम पे तो आपका डाटा पूरा डाटा लॉस हो जाएगा, इसलिए एक एक्सटर्नल ड्राइव में हम डाटा को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, या फिर अपने ईमेल पे अटैच करके रखेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्म रूटीन डीफ्रेगमेंटेशन। अब मान लीजिए डिस्क का जो है डीफ्रेगमेंटेशन मतलब कि डिफरेंट ड्राइव्स को जो है मेंटेन करके रखेंगे, सभी ड्राइव्स में इक्वली डाटा शेयर करके रखेंगे, किसी एक ड्राइव पे पूरे डाटा को नहीं रखेंगे, ठीक है। रिमूव अनयूज प्रोग्राम। अब मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम जो है अनयूज्ड है, ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि वो सिस्टम के स्टोरेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। इनेबल फायरवॉल, फायरवॉल को हम लोग इनेबल कर लेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी वायरस अटैक हो तो ईजिली डिटेक्ट हो जाए। रिमूव डिवाइसेस सेफली। अब डिवाइसेस को सेफली रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को कमांड देना पड़ेगा तब डिवाइसेस को इंसर्ट करें या फिर रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है सिस्टम रीस्टोर फीचर। अब मान लीजिए कोई डाटा या फाइल आपका डिलीट हो गया तो उसको हम लोग रीस्टोर करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारा डाटा रिकवर हो जाए, ठीक है। अब लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लेट्स रिकलेक्ट, उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आईसीटी इंटेल्स द यूज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड कम्युनिकेशन एरेज एंड प्रोसेस ट्रांसफर। नेक्स्ट है विद द एडवांस आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कैन कैरी आउट बिजनेसेस मच इजीली विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट है आईसीटी टूल्स में इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री बेसिक कंपोनेंट्स द इनपुट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है अ पेरिफेरल डिवाइस कैन बी इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। अ कंप्यूटर टास्क ऑफन कंटेंस अ यूजर सबमिटिंग सम ऑफ द डाटा टू द कंप्यूटर ऑब्टेंड रिजल्ट। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर इजियर टू ऑपरेट एन एफिशिएंट मैनर। द इंटरनेट हैज़ फाउंड एप्लीकेशन इन द वाइड रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूड एजुकेशन रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द टर्म सोशल मीडिया रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंडिविजुअल इंटरेक्शन कोलेब्रेशन एंड कंटेंट शेयरिंग ओवर द इंटरनेट। तो ये लिस्ट रिकलेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लेंगे। इनकेस अगर आप पूरे चैप्टर को नहीं देख पाए तो कम से कम लेट्स रिकलेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये क्या होता है ना, समरी होती है पूरे चैप्टर की। होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे मेरी बातों को। आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।